हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी लोग? मैं डॉक्टर संगीता स्वागत करती हूं आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल RAS वुमेंस हेल्थ पर। फ्रेंड्स, पिछले वीडियो में हमने जाना था कि किडनी स्टोन कैसे बनते हैं और इसके क्या कारण होते हैं, इसके बारे में हमने डिटेल में बात की थी। तो चलिए, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि किडनी स्टोन होने पर हमें क्या ट्रीटमेंट लेना चाहिए, इसके बारे में आज हम डिटेल में बात करेंगे। किडनी स्टोन का ट्रीटमेंट उसके साइज और उसके फंक्शन पर निर्भर करता है। अगर जो किडनी स्टोन है वो किडनी में ऐसी जगह पर है जहाँ पर आपको सालों साल तक कोई दिक्कत नहीं होगी और इसका साइज भी छोटा है, इसके साथ जो किडनी स्टोन है उससे आपको कोई भी दिक्कत नहीं हो रही है, यानी आपको कोई भी दर्द नहीं हो रहा है, आपको यूरिन पास करने में कोई दिक्कत नहीं हो रही है, तो इसके ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं होती है। इसमें डॉक्टर आपको कुछ लाइफ स्टाइल में चेंज करने के लिए बता सकते हैं और ये आपका किडनी स्टोन आसानी से निकल सकता है। इसके साथ अगर ये किडनी स्टोन आपका साइज में काफ़ी बड़ा है और किडनी में ऐसी जगह पर है जिसकी वजह से आपकी जो किडनी है वो डैमेज हो सकती है, और इसके साथ ही आपको फीवर आ रहा है लगातार, और ये जो स्टोन है ये इन्फेक्टेड है, इसके साथ आपका जो यूरेटर है उसमें भी आपको दिक्कत हो रही है और आपको यूरिन पास करने में दिक्कत हो रही है, तो फिर आपको ट्रीटमेंट की ज़रूरत हो सकती है। ये जो ट्रीटमेंट है ये आपका डॉक्टर आपके स्टोन के साइज के हिसाब से बता सकते हैं और आपको सर्जरी के लिए भी बता सकते हैं। ये जो सर्जरी होती है इसे हम यूरेट्रोस्कोप कहते हैं। इसमें डॉक्टर आपके पेशाब के रास्ते एक लेज़र डालते हैं, एक लेज़र मशीन होती है जिसे डाला जाता है, और इसके ज़रिए आपका जो किडनी स्टोन है उसको छोटा छोटा तोड़कर और उसको बाहर निकाल लेते हैं। ये जो सर्जरी होती है इसमें कोई भी चीरा नहीं लगाया जाता है और इसमें अधिकतर मरीज को बहुत ज़्यादा दिक्कत भी नहीं होती है, और आप एक से दो दिन में आप अपने जो रूटीन के काम हैं उन पर वापस आ सकते हैं। इसके साथ मैं आपको एक बार बताना चाहूँगी कि अगर आपको किडनी स्टोन है तो आपको अपनी मर्ज़ी से अपना घर पर ट्रीटमेंट नहीं करना है, इससे आपकी जो किडनी स्टोन है उसकी प्रॉब्लम और ज़्यादा बढ़ सकती है और इसके साथ आपको इन्फेक्शन हो सकता है, आपकी किडनी डैमेज होने के भी चांस रहते हैं। तो इसलिए अगर आपको किडनी स्टोन है तो आपको अपने यूरोलॉजिस्ट से मिलना है और उनसे मिलने के बाद ही आपको अपना ट्रीटमेंट लेना है। आप जड़ी बूटियों और आयुर्वेद मेडिसिन लेने से पहले आप एक बार अपने यूरोलॉजिस्ट से कंसल्ट ज़रूर कर लें। आशा करती हूँ कि आपको यह हमारा वीडियो पसंद आया होगा, और वीडियो अगर पसंद आया है तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आगे मिलती हूँ एक नए वीडियो के साथ में और एक नई नॉलेज के साथ में। तब तक के लिए बस इतना ही।